कम बैक टू माई चैनल। माई चैनल नेम इज़ बानी ब्लॉग। सो बहुत थक चुकी हूँ मैं। कल रात को मैं अपनी बस्ती पहुँच चुकी हूँ, तो कल रात को रास्ता में वीडियो नहीं बना पाया हूँ, और बहुत दिनों से हम बिजी था तो वीडियो भी नहीं बना पाया, तो डायरेक्ट गांव आ गया। तो कल रात में गाड़ी में वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि गाड़ी में पूरा मुझे वोमिटिंग होता है, तो फिलहाल बस में आया था तो बहुत भूमि से हालत ख़राब, थक चुकी थी तो वीडियो नहीं बना पाई हूँ। और आज सुबह सुबह उठ चुकी हूँ और ब्रेकफास्ट भी खा लिया हूँ, और अभी फिलहाल गाँव में मैं किस लिए आया हूँ तो गाइस आप लोग को मैं दिखाती हूँ। तो फिलहाल मैं अपनी बस्ती में आ चुकी हूँ अपनी मम्मी को मदद करने के लिए। तो गाइस आप लोग देखिए मम्मी क्या कर रही है और पापा लोग क्या काम कर रहे हैं। गाइस आप लोग को दिखाती हूँ। ता है खेती कर रहा है, यहाँ जंगल जंगल को सफा करना है, कुछ इस तरह से जंगल है पूरा, यहाँ में भी जंगल है उसको पूरा सफा करना है। और यहाँ पे मम्मी सफा कर रहे हैं, बुढ़िया आग भी नहीं देखते है, बोलते है अच्छा से, फिर भी पूरा सफा करने में लगा हुआ है अलथोंग। तो ये देख सकते हैं सफा कर रहा है खेती, ऐसे सफा करता है। हम लोग का बस्ती में, बस्ती का लाइफ भी ऐसा है, सुबह उठो अपने काम में लग जाओ, फिर शाम होगा खाना बनाओ खाओ सो जाओ। और अभी मम्मी का यही यही काम है, अभी मम्मी खेती सफा करने में लगेगा। और इतना ज़्यादा है यहाँ पे, और यहाँ में भी इतना ज़्यादा है, ये देख सकते हैं इतना ज़्यादा है, वहाँ पे घर का आगे में भी बहुत ज़्यादा है, सब मिल के सफ़ा करना है। और मम्मी को मुझे मदद करना है, जितना दिन ख़त्म नहीं होगा उतना दिन हमको सफ़ा करना है। तो गाइस आप लोग को पापा लोग क्या काम कर रहे हो दिखा, बिजी है, ये घर बना रहे, और यहाँ पे अंकल है, हमें पिताजी है, दोनों काम में लगा रहे। अभी पिताजी का यही काम में बिजी होगा वो, और अंकल बना रहे, मिस्त्री है अंकल जो, तो दोनों ये काम करेगा और मम्मी हम दोनों खेती सफा करेंगे। तो गाइस आप लोग बने रहे, मैं खेती कैसे सफा करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिलहाल मेरा आज सेकेंड दिन है, तो खेत के लिए निकल रहे हैं, तो ये देख सकते हैं अभी खेती के लिए निकल रहे हैं। तो गाइस आप लोग को दिखाती हूँ खेती में क्या करती हूँ। अभी बड़ा मुख सूख फट गया ठंडा का वजह से, इतना ठंडा है इसलिए मुख सूख फट गया। तो गाइस आप लोग को मैं दिखाती हूँ खेती में क्या लेके जा रही हूँ। बाद में खेती करने का बाद में रेस्ट करके हम लोग संतरा खाएंगे, खेती में ले जा रहे हैं। और ये इतना प्यारा टोकरी है, और तो ये देख सकते हैं संतरा ही संतरा, ये देख सकते हैं पेड़ में भी पूरा संतरा, ये देख सकते हैं वो देख सकते हैं संतरा ही संतरा, गांव का लाइफ ही बिंदास। और यहाँ पे देख सकते हैं सोल दाना इतना ज़्यादा है, देख के लालची लगता है, लेकिन तेजू में तो सोल दाना के लिए मरना पड़ता है, और गांव में तो अवेलेबल है, ये देख सकते हैं अवेलेबल है सोल दाना है सोल दाना। और संतरा देखो कुछ इस तरह से गिर जाता है गाँव में, लेकिन क्या करेगा तेजू में तो खाने के लिए तड़पना पड़ता है। और एक संतरा का इतना दाम है, गाँव और शहर का डिफरेंस ये देख सकते हैं, गांव में अवेलेबल गिरा हुआ है संतरा, इतना अवेलेबल गिरा हुआ है, लेकिन तेजू में होने से ये गिरा वाला भी बिक्री हो जाना था होगा। तो गैस आप लोग को दिखाती हूँ और आप लोग वीडियो में बने रहे, अभी हम लोग खेत के लिए निकल रहे हैं। ये पहाड़ देखिए, पहाड़ 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 पहाड़, ये छोटा वाला पहाड़ का नीचे में खेती है, और ये देख सकते हैं पहाड़ पहाड़ी पहाड़, पहाड़ों के नीचे पहाड़ों के बीच में गांव। तो चलिए आप लोग बने रहे, हम लोग खेत की ओर निकल रही है। फाइनली अभी खेती करके शाम हो चुकी है, तो हम लोग अभी घर की ओर निकल रहे हैं, पूरा सांस फूल रहा है, क्या करेगा इतना पहाड़ उठ रहा है। तो देखो हाथ साथ इतना गंदा हो गया, अभी जस्ट आया है, रास्ता में पूरा थक थक के जा रहे हैं। और रास्ता आप लोग को दिखाती हूँ कैसे चढ़ाई है। अरे ब्लॉन्ग बस्ती देख सकते हैं गाइस सब लोग, पहाड़ों के बीच में हमारे गांव, ठंडी ठंडी हवा, ये देख सकते हैं ऊंचाई ऊंचाई पहाड़, ये देख सकते हैं यहाँ से है रास्ता। तो ये देख सकते हैं आप लोग बने रहे, मैं आप लोग को दिखाते रहूँगी। तो फिलहाल अभी बहुत ठंडा है, तो यहाँ पे बाहर में दाना पका रहा है सोल दाना, इसलिए हम दोनों आग थाप रहे हैं ना, आग थाप रहे हैं ना। तो आप लोग को दाना दिखाती हूँ सोल दाना, तो हम दोनों आग थाप रहे हैं, ठंडा है, अमरुद खा रहा है ना, दिखाओ तो, अमरुद खा रहे हैं, देखो गंदा मुंडा बेटी तो उपाय नहीं है, गंदा मुंडा अमरुद खा रहा है। तो गैस आप लोग को दिखाती हूँ यहाँ पे दाना पका रहा है,